आज हम लोग इस वीडियो में सीलिंग फैन के बारे में बात करेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ वायर्स हैं। जैसे कि ये जो दो वायर है, इसमें एक हमारा न्यूट्रल का वायर है और एक हमारा फेस का वायर है, जो कि हमारा स्विच और स्विच से रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमारे पास दो ब्लू वायर है, जो कि हमारे कंडेंसर कैपेसिटर से आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर लगा है जो कि 2.5 का है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिंपल अगर हम देखें तो पंखे के अंदर से हमारे पास तीन तरीके के वायर आ रहे हैं, जिसमें एक हमारा रेड है, एक ब्लैक है और एक येलो है। जैसे कि हम बात करें कि इसमें जो तीन वायर होते हैं, इसमें एक वायर हमारा रनिंग वाइंडिंग का होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है और एक हमारा कॉमन रहता है। अगर हम सिंपल इसकी बात करें कि सिंपल अगर हम इसके अंदर के देखें, आर्मेचर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हमारी दो वाइंडिंग्स होती है। इसमें ये वाली जो वाइंडिंग होती है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जबकि यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है, ये हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग में ये जो हमारे टर्न्स हैं यहाँ पे वायर के, एक इसमें हमारे 320 चक्कर रहते हैं, टर्न्स रहते हैं, जबकि जो हमारी रनिंग वाइंडिंग रहती है, इसमें हमारे 340 टर्न्स रहते हैं। और इसमें जो हमारा वायर यूज़ होता है, ये हमारा 35 mm से लेकर जो हमारा वायर यूज़ होता है, ये इसमें वायर हमारा 35 mm से लेकर 36 mm तक का वायर वाइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंपल जैसे कि हम बात करें, हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमारे पास तीन वायर आ रहे हैं, तो ये कैसे? तो इसमें जो हमारी सेलिंग फैन में जो मोटर यूज़ होती है, वो हमारी परमानेंट कैपेसिटेंस मोटर यूज़ होती है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास दो तरीके की वाइंडिंग होती है, तो एक हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके दो पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। जो दो पॉइंटों को हम मिलाते हैं, यह हमारा कॉमन होता है। और इसके अलावा जो कॉमन होता है, इस पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, जबकि जो हमारे स्टार्टिंग और जो रनिंग वाइंडिंग के ये जो दो पॉइंट होते हैं, इस पर यहाँ पे हम कंडेंसर को लगाते हैं, कंडेंसर या फिर कैपेसिटर जो हमने देखा था, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पे हम फैन, इस वाले पॉइंट को हम फैन रेगुलेटर से कनेक्ट करते हैं, जबकि ये फैन रेगुलेटर को हम यहाँ से स्विच से कनेक्ट करते हैं, और स्विच पे नीचे वाले पॉइंट पे हम फेस को देते हैं। ये सिंपल हमारा सर्किट डायग्राम है, किस तरीके से हम फैन का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पंखे के अंदर से तीन वायर निकल रहे हैं, जिसमें एक हमारा कॉमन वायर रहता है, एक हमारा रनिंग वाइंडिंग का रहता है और एक हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का रहता है। अभी हम यहाँ पे देख के नहीं बता सकते कि हमारा कौन सा रनिंग वाला है, कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग का, कौन सा कॉमन है। तो इसको चेक करने के लिए कि कौन सा वायर हमारा कॉमन है, इसके लिए हम सिंपल टेस्टिंग लैंप का, सीरीज टेस्टिंग लैंप का यूज़ करते हैं। इसमें हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक वायर येलो पे और एक ब्लैक पे कनेक्ट किया, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा बल्ब है वो कम ग्लो कर रहा है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे करते हैं, एक रेड और येलो के बीच में टच करते हैं, तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। ऐसे ही जब रेड और ब्लैक के बीच में कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा ग्लो करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम दो लाइन के बीच में, मतलब रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पे जब वायर कनेक्ट करते हैं, तो बल्ब हमारा एकदम स्लो जलता है। मतलब हमने यहाँ पे ब्लैक और येलो के बीच में देख रहे हैं कि हमारा बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा है। इसका मतलब कि ये दो, इसमें एक हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग है। और जबकि जैसे ही हम न्यूट्रल इस पर रेड वाले पे कनेक्ट करते हैं, तो हमारा बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब ये दोनों आप पॉइंट पर देख लीजिए कि रेड पर कनेक्ट करने के बाद जब हम येलो और ब्लैक पर कनेक्ट करते हैं, तो बल्ब जल रहा है। दैट मीन्स ये हमारा कॉमन है, रेड वाला हमारा कॉमन वायर।
अब इसके बाद हम जो हमारा कैपेसिटर है इसका हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये जो हमारा जो दो रनिंग वाइंडिंग के जो वायर निकले इन दोनों पे हम क्या करेंगे कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। ये सिंपल लिया हमने इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमने वायर जोड़ लिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो दो वायर आते हैं जिसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल वाला रहता है, तो जो न्यूट्रल वाला वायर रहता है वो कॉमन पे लगता है, जबकि जो फेज़ वाला वायर रहता है वो हमारा इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे लगेगा। अब हम किस पे कनेक्ट करेंगे, इसमें क्या होता है इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट करने से फैन हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरे पे कनेक्ट करने से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जबकि पंखा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि कॉमन पे हमने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारा जो पंखा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब हम इसको रेड पे कनेक्ट करके येलो वाले पे कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है, जबकि इसकी बजाय जब रेड पे और हम इस पे कनेक्ट करते हैं ब्लैक वाले पे तो पंखा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। इसके साथ हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे वाइंडिंग शॉर्ट वगैरह तो नहीं, दैट मीन्स सिंपल कहीं हमारा वायर कहीं इसकी बॉडी के साथ में टच तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो इस कंडीशन में पंखे की बॉडी से में करंट आ जाता है। तो चेक कर लेते हैं, इसके लिए हम सिंपल इसकी बॉडी पे रखेंगे वायर और एक एक करके सबको चेक कर लेंगे ये सारे पॉइंट्स पे। अगर ऐसा कुछ होगा कि बाय चांस अगर कहीं से वायर कहीं टच होगा इसकी बॉडी में या तो इसमें कहीं करंट आएगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा टेस्टिंग बल्ब होता है वो जलने लगता है उसमें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब हमारा पंखा इसकी वाइंडिंग सही है। अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो ब्लैक वाले पे जब हमने कनेक्ट किया था तो हमारा पंखा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, तो इसको हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये जो न्यूट्रल वाला रहता है इसे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और साथ में इसको जो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था उसे बीच में कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा पंखे वाला पोर्शन है, यहाँ से हमारा एक फेज़ वाला आता है और एक न्यूट्रल वाला रहता है, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज वाले कोई भी कनेक्शन नहीं देते। तो सिंपल ये हमारा इस वाले पॉइंट पर हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम फेज़ का वायर कनेक्ट कर देंगे। ये सिंपल हमारा कनेक्शन था पंखे का, सीलिंग फैन का। थैंक यू सो मच।